नमस्कार दोस्तों, आ गया अब वो समय। आप प्लान अभी से कर लो, इसलिए वीडियो बहुत एडवांस में बना रहा हूँ। पहले से बना करके रख दी और आप लोगों के बीच में ले आया, ये सोच करके कि अगर अभी से प्लानिंग हो जाए तो जो आगे आने वाला समय है इसका आप बहुत भरपूर लाभ उठा सकते हो। क्योंकि ये जून के महीने में आपके लिए कुछ ऐसा समय रहने वाला है और जिसमें जुलाई भी थोड़ा काउंट होगा, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। एक लहर आती है हर चीज की, हमारे समय में, हमारे कालखंड में, महीनों के दौरान। जब हम वो 10-15-20 दिन इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने का धन अर्जित एक ही बार में कर लेते हैं, होता होगा ऐसा आपके साथ में, और कई बार आप बिल्कुल खाली बैठ जाते हो 3 महीने और चौथा महीना ऐसा आया कि उसी में 3 महीने का लॉस कवर। इसीलिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि अगर आप अभी से प्लान कर लेते हो ना तो बहुत कुछ प्राप्त कर जाओगे। दोस्तों, हमारे फेसबुक से, हमारे यूट्यूब से, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, केवल बताने वाला होना चाहिए। जैसे अभी बुध देव दिनांक 24 जून 2023 से लेकर के और 8 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके जीवन में गोचर करेंगे। पता है ना बुध कौन है? नहीं पता तो सुन लो, कुछ लोगों को तो पता होगा क्योंकि 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत सारे लोग तो मेरे को सुनते रहते हैं, रेगुलर सुनते हैं, पर जो नए जुड़े हैं वो सुन लो। बुध लेखन का काम कराता है, बुध प्रकाशन का काम कराता है, बौद्धिक स्तर के कार्य जितने भी हैं इस दुनिया के अंदर वो सारे बुध से चलते हैं। बुध हस्तकला अच्छी करता है, बुध गाता भी अच्छा है, बुध रिजल्ट भी जल्दी अच्छे देता है, बुध थॉट प्रोसेस, हाजिरी जवाब, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा देता है, और बुध वाणी का भी कारक होता है, और बुध जल्दी पैसा भी देता है। बुध का काम बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, हल्के में मत ले लेना आज की इस वीडियो को, क्योंकि शुक्र जैसे दैत्य गुरु है, ऐसे बुध सूर्य के इतने नजदीक होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। ग्रेनरी का कारक है इसलिए इसका रत्न पन्ना होता है। तो किन राशियों का भाग्य चमकेगा वो बताऊंगा, और विशेष रूप से आपको एक चीज और बता देता हूं, भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा और बहुत काफी समय के बाद बनता है, जल्दी से नहीं बनता, बहुत कम मौके मिलते हैं इस राजयोग के, इसलिए मेहनत करके थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। आज की इस वीडियो में अब जून का विशेष रूप से रोल रहेगा, तो मैं आपको राशियां दिखाना शुरू करता हूं। और मैं आज की इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, 6 राशियों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करना चाहूंगा मैं मित्रों, विशेष रूप से मिथुन की। मिथुन राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी ग्रह कौन होते हैं? बुध देव। इस घर के स्वामी, सम्मान के स्वामी, शरीर के का स्वामित्व बुध के पास है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का स्वामित्व, चतुर्थ भाव मन का स्वामित्व वो भी बुध के पास है। और बुध यहाँ बैठेंगे 24 जून से लेके 8 जुलाई तक। इसका मतलब ये जो बुध का फल रहेगा भद्र महापुरुष राजयोग वाला, मजा आ जाएगा। और इनकी दृष्टि पड़ेगी पत्नी के घर पर, लव लाइफ के घर पर, दैनिक जीवन के घर में, दैनिक इनकम के घर में, व्यापारिक पार्टनर के घर में। मेरे को तो बड़ी खुशी है, अच्छा भी लग रहा है, आत्मविश्वास मुझ में खुद भी अच्छा आ रहा है इस वीडियो को बनाते टाइम, क्योंकि मिथुन राशि वालों के बारे न्यारे कर देंगे 24 जून से 8 जुलाई के बीच में, जब ये भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा मज़ा आ जाएगा दोस्तों। प्लान कर लो अभी से, प्रॉपर्टी लेनी है तो उसका प्लानिंग कर लो, वो काम बन जाएगा। कुछ क्रय विक्रय करना है, बेचना है कुछ, तो उसकी प्लानिंग कर लो। राजनीति में कोई पद लेना है तो अभी से फील्डिंग सेट कर दो, मिल जाएगा पद। सुख साधन यानी कि इच्छा पूर्ति का वरदान, और माँ का स्वास्थ्य अगर गंभीर रूप से खराब चल रहा है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे तो उन पर भी नियंत्रण होगा। बहुत बढ़िया आयाति उत्तम है मिथुन राशि वालों के लिए भद्र महापुरुष राजयोग, अति उत्तम। जी हाँ,
अब नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहता हूं कन्या राशि के विषय में। पता है ना कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, और कन्या राशि से ये कर्म भाव के स्वामी भी बुध हो जाते हैं और शरीर के स्वामी भी बुध हो जाते हैं, और बुध इस कर्म पर बैठेंगे, राज्य सरकार के घर में बैठेंगे, केंद्र सरकार के घर में बैठेंगे, प्रतिष्ठा के घर में बैठेंगे, कार्य सिद्धि के घर में बैठेंगे, आजीविका के घर में बैठेंगे, और साथ में प्रमोशन ट्रांसफर के घर में बैठेंगे, आपके बिजनेस के घर में बैठेंगे, आपकी नौकरी के घर में बैठेंगे, सरकारी नौकरी के घर में बैठेंगे, आपके इन-लॉज के घर में बैठेंगे और मान सम्मान लेकर के बैठेंगे और सामने देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद को। क्यों डरते हो? इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ पहले से, यही तो चाहता हूँ कि 24 जून से और ये जो 8 जुलाई तक का आपके लिए फल रहेगा ये अभी से जान लो, ताकि बाद में मेरे से कंप्लेंट ना कर सको कि गुरुजी हमें तो पता नहीं चला। वायरल कर देना और भी लोगों तक पहुंचा देना, हो सकता है आपके द्वारा किसी और का कल्याण हो जाए, बहुत अच्छा है। सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत है, ये भद्र महापुरुष राजयोग आपके वारे नारे कर देगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। आ गई ना डिस्प्ले में धनु राशि, अब इस क्यों दिखाई गई है? एक तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, वो खुद पैसे पे बैठे हैं, बुद्धि पे बैठे हैं, वो खुद ही पैसे बुद्धि पे बैठे हैं और बुध के साथ ही बैठे हैं अभी, और 24 जून से 8 जुलाई तक आपका बुध आ जाएगा इधर 3 नंबर में पत्नी के घर में। हमारा जीवन का क्रम और योग इस घर से बढ़ता है, आपके व्यापारिक पार्टनर, बड़े व्यापारिक समझौते, लघु यात्राएं, विदेश यात्राएं, विदेशों में अगर एम्पायर फैला हुआ है वहाँ लाभ मिलेगा, और साथ में आपके कैरियर के भी लॉर्ड हैं तो कैरियर को भी मजबूत कर देंगे, कह देंगे भैया कैरियर भी अच्छा दूंगा क्योंकि भद्र राजयोग बना रहा हूँ, इसलिए मैं तो आपसे कह सकता हूँ बेझिझक होकर के कि अच्छा समय 24 जून से शुरू हो रहा है, 8 जुलाई तक चलेगा और मंगल भी 30 जून को अपनी नीचता छोड़ देगा, तो एक तरीके से इस भद्र राजयोग का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कोई रिश्ता भी आपका पक्का हो सकता है जिनके रिश्तों में अड़चने आ रही हैं। अभी मैंने अपनी 3 राशियों की बात है वो पूरी करी, अब आपके सामने ले आया हूँ मैं मीन राशि को। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और वो पैसे पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ध्यान से देख लेना ये सुख साधन प्रॉपर्टी चतुर्थेश बुध और सप्तमेश बुध स्वयं रही होकर के भद्र महापुरुष राजयोग बना करके इस चतुर्थ भाव में रहेगा, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, ये आपसे कह देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया है। इसलिए दोस्तों अब नहीं तो फिर कब, मेहनत करनी है बस थोड़ी सी, रिजल्ट तो आप ही के पास है, आप ही के इर्द गिर्द है, इसमें किंतु परंतु तो है ही नहीं, है ही नहीं। कुंभ राशि आ गई है, यहाँ स्वयं राशि के 5वीं राशि है, अब स्वयं राशि के बुध इस घर में रहेंगे, बहुत जबरदस्त घर होता है, एकदम से आपको पैसा दे देंगे एकदम से, इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप मेहनत कर लो बस, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप तपस्या कर लो, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप आगे बढ़ जाओ। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फल है आपके लिए है, आपको अकस्मात गेन होगा 24 जून से और 8 जुलाई के बीच में। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और इस राशि का जो नाम रहेगा वो आता है यहाँ पर वृश्चिक तो नहीं है, तुला। तुला राशि की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार भाग्य स्थान के घर में आपके बुध देव आ जाएंगे, और तुला राशि के मित्र हैं शुक्र के, ऐसी स्थिति में आपके वारे न्यारे कर देंगे। 8 जुलाई तक का समय बहुत बढ़िया है, अति उत्तम समय है, इसका लाभ उठा लीजिए, भाग्य के अनुरूप कोई एक काम ऐसा बनेगा उसी में बहुत मोटा पैसा कमा जाओगे और पिता का सहयोग प्राप्त होगा, और जो तमाम कार्य मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे कि जो बुध कराते हैं उन सब कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। इजाजत चाहता हूँ, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व्रत के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए है।